क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट थिंकिंग और राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलते हैं, आपके गलत दृष्टिकोण को, रॉन्ग बिलीफ को हम राइट बिलीफ में बदलते हैं, आपको हम सम्यक दर्शन देते हैं, आपको हम सही रास्ता बताते हैं। उस रास्ते पर चल करके आप इस जन्म को और आने वाले दोनों जन्मों को जो है अच्छा बना सकते हैं। ये हम सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा जो नया एपिसोड है वो है हर संयोग के साथ वियोग। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर ये सृष्टि का नियम है, ये कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत जुड़ा हुआ होता है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है। आज जो संयोग हमारे साथ में आया है, जो जुड़ा हुआ है, वह चला जाएगा और उसके बाद के अंदर अच्छा संयोग आया है तो वह भी चला जाएगा, बुरा संयोग है वह भी चला जाएगा, क्योंकि स्थायी तत्व कोई नहीं है। ये हमारे जो कर्म है ये भी बदलते रहते हैं। कर्म वैसे तो सब कुछ है, अगर ये कहा जाए कि सृष्टि का कोई नियामक तत्व है तो कर्म सिद्धांत है, वही इस सृष्टि का भगवान है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर वो डिक्टेटर नहीं है। कर्मों को बदला जा सकता है, अपने शुभ को अशुभ में, अशुभ को शुभ में, सजातीय कर्मों को जो है बदला जा सकता है। तो ये सारा संयोग और वियोग के माध्यम से होता है। तो हमें ये मन में निश्चित करके चलना चाहिए, सिद्धांत को हृदयंगम आत्मसात करके चलना चाहिए, हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। तो आदमी को ये सूत्र जब मिल जाता है तो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, अशांत नहीं रहेगा और हर वक्त जो है वो खुश रहेगा, हर वक्त जो है सुख की स्थिति में रहेगा। अब देखिए संयोग और वियोग जो है कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुदरत की रचना और कुदरत का कानून बताता हूं, उससे ऑटोमेटिकली सब चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये तीनों मिलकर के ही संयोग वियोग पैदा करते हैं और ये उनका ही कार्य है और वही उपलब्ध कराते हैं। तो हम तीनों चीजों को समझें। सबसे पहले कुदरत क्या है? कुदरत वास्तव में एक पूरा ब्रह्मांड है, पूरा एक विशाल लोक है, संसार है, पृथ्वी है, जिसमें हम जो है 84 लाख जीवायोनि के उत्पत्ति स्थान वाले प्राणी। ये 84 लाख जीवायोनि को बार बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारे लिविंग बींग्स हैं, वो जन्म लेने के उत्पत्ति स्थान हैं, लेकिन उन जो है जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है, वो इन स्थानों के ऊपर दे टेक दी बर्थ एंड दे आफ्टर टेकिंग दी बर्थ दे आर ब्रॉट अप इन दिस एनवायरमेंट एंड विद देयर आयुष्य कर्मा व्हेन दे फिनिश दैट रोल देन दे अगेन ऑल दी मटेरियलिस्टिक थिंग्स गोज इन द सेम कॉस्मोस, सेम ब्रह्मांड, सेम लोक। तो भाई और बहनों, ये हमारी लोक की स्थिति हो गई, ये हमारा कुदरत हो गई, ये हमारी नेचर माँ हो गई। अब कुदरत की रचना क्या है इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि संयोग और वियोग कौन पैदा करता है? हम उसके ओरिजिन में जाना चाहते हैं, हम उसके जो है वो उसके गहराई के अंदर जाना चाहते हैं, हम उसकी जो है वो जैसे कि शिवजी की जटा के अंदर से जो है गंगा पैदा हो गई, तो हम गंगोत्री तक जाना चाहते हैं, मूल बात ये है। तो कुदरती रचना क्या है? कुदरती रचना 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 6 सब्सटेंस है, 6 द्रव्य है, वो कुदरती रचना है, जिसके अंदर 5 जो है वह विज्ञान मानता है और 6ठा जो है विज्ञान कई बार कॉन्शियस रूप में मानता है और कई बार आत्मा के नाम से नहीं भी माने, लेकिन कोई बात नहीं,
कि जो हमारा जड़ तत्व है उसके ऊपर पांच द्रव लागू होते हैं, और जहाँ छठा चेतन तत्व जुड़ जाता है तो चेतन तत्व पर भी वो पांचों जो है जड़ पदार्थ लागू होते हैं। तो ये जड़ और चेतन का जो मिश्रण है, ये लोग जो है जड़ और चेतन मात्र दो तत्वों से बने हुए हैं, दो सब्सटेंस से बने हुए हैं, और वही कुदरत है। और ये दो तत्व मिलकर के फिर छह द्रव्यों के अंदर बदलते हैं, तो ये विस्तार दो का ही है। तो देखिए कि ये छह द्रव्य जिससे कुदरत बनी हुई है, बहुत सुंदर विश्लेषण है। सबसे पहले हम इस चेतन तत्व को लेते हैं, क्योंकि बोलता है चेतन है, सोचता है चेतन है, कर्मों का बंधन चेतन करता है, और सब कुछ चेतन की हाजिरी से होता है, इसीलिए इसको प्रथम स्थान दिया है। और कोई जड़ तो बोलता नहीं है, दूसरा कोई भी छह द्रव्य में से कोई द्रव्य जो है बोल करके शिक्षा नहीं देता, वो तो सहयोगी है। तो ये हमारा चेतन तत्व असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चेतन तत्व। इसको हम अलग रखें तो पांच जो अब आने वाले हैं उसको विज्ञान मानता है, तो और जो जड़ पदार्थ मानता है, और मतलब उसको विज्ञान मानता है, अध्यात्म छह तत्वों को मानता है, विज्ञान पांच तत्वों को मानता है। तो पांच तत्व तो कॉमन है, तो इस तरीके से कॉमन होने से अध्यात्म और विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू है, और वही सनातन सत्य है, और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। हम अध्यात्म को विज्ञान से अलग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म है वो विज्ञान के बिना लूला है, और विज्ञान है वह जो है अध्यात्म के बिना जो है अंधा है। तो अंधे और जो है लूले की जोड़ी होती है, तभी कोई गंतव्य की प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि दूसरा जो तत्व है वो जड़ तत्व है, ये सारा ब्रह्मांड के अंदर फैला हुआ है, वह जड़ तत्व है। जड़ तत्व होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और वो कोई अनुभूति नहीं करता, फीलिंग नहीं करता, उसमें सुख दुख की कोई बात नहीं होती, वो जड़ तत्व। तो गलन मिलन धर्मा है, इसीलिए कहा गया है जो संचरण करता है वह संसार है, और संसार की हर वस्तु में संयोग होता है, वियोग होता है, यानी हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो यहाँ पर संयोग और वियोग का फॉर्मूला लगता है कि एक क्षण के अंदर संयोग हुआ, दूसरे क्षण के अंदर वियोग हो जाता है, फिर वियोग के बाद में फिर नया जुड़ा हुआ तो वो संयोग होता है। इस तरीके से ये साइकिल संयोग और वियोग की चलती रहती है, और ये पर्याय कहलाते हैं, ये मोड्स कहलाते हैं। उत्पाद होता है, व्यय होता है, जो संयोग है वो उत्पाद है, और जो व्यय है वो जो है वो वियोग है। तो उत्पाद और वियोग, वियोग दोनों चलता जाने के बाद भी कोई भी वस्तु हो, चाहे जड़ हो चेतन हो, वो द्रव्य है, तभी उसका अस्तित्व है। इसलिए कहा गया है कि उत्पाद सत की परिभाषा की है, उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत। भगवान महावीर ने कहा, त्रिपदी दी, त्रिपदी का सिद्धांत दिया कि वस्तु चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उसका अस्तित्व तभी है जबकि उसमें उत्पाद होता है, जिसमें व्यय होता है। दोनों स्थितियां होने के बाद भी वो द्रव्य है। मैं एक और उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि कोई महिला ने, मान लीजिए कि उसका कंगन है वो पुराना हो गया, अब वो चाहती है कि आजकल लेटेस्ट डिजाइन आई है तो लेटेस्ट डिजाइन के तहत जो है मैं उसका नेकलेस बना दूँ, तो अब वो जो नेकलेस बना है वो तो उत्पाद हो गया, और जो उसका कड़ा टूटा है वो व्यय हो गया। लेकिन दोनों स्थिति के अंदर, चाहे नेकलेस हो चाहे कड़ा हो, दोनों स्थिति में वो सोना है, वो उसका द्रव्य हो गया। तो उसी तरीके से हमारा, ये तो जड़ की बात मैंने कही, चेतन की बात करें तो हमारी जो आत्मा है उसके लिए कहा गया उपयोग लक्षणों जीव। जीव का लक्षण क्या? उपयोग। उपयोग क्या कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहा जाता है, कि हमारी आत्मा कभी ज्ञान में आती है कभी दर्शन में आती है, इन दोनों को लिया गया। और वैसे गहराई में जाए तो दोनों एक ही है। दर्शन का अर्थ मतलब देखना होता है, ज्ञान का मतलब मैंने जब आपको देख लिया उसके बाद मैं विस्तार में जाता हूँ कि ये कौन है, ये हमारे क्या लगते हैं, इनके अंदर क्या गुण हैं और ये क्या करते हैं, ये सारा जो है ज्ञान हो गया।
तो इसीलिए ज्ञान और दर्शन, कभी आत्मा ज्ञान में जाती है कभी दर्शन में जाती है, तो उस कारण इसका अस्तित्व है और उसके अस्तित्व के कारण वो द्रव्य है और ज्ञान और दर्शन उसका संयोग वियोग होता है। तो इस तरीके से भाई और बहनों हम ये बात को कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे हैं कि पांच, हमने जो दो तत्वों की बात कही, जो दो द्रव्यों की बात की, जड़ और चेतन, और तीसरा ये है कि जड़ और चेतन है ये मोशन करना चाहते हैं, मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरे लोक के अंदर एक पूरा द्रव्य जो कि पौद्गलिक है, अमूर्त है और वो उदासीन भाव से कोई भी डिमांड करता है तो हर क्षण हरेक के लिए वो हाजिर रहता है, तो ऐसा द्रव्य जो है वो गति सहायक मोशन देने वाला है, ये मोशन दे रहा है, गति सहायक मौजूद है, जब मोशन या गति सहायक नहीं होता तो हाथ हिल नहीं सकते। और ट्रेन का चलना हो, फ्लाइट का चलना हो, आदमी का दौड़ना हो, सब मोशन तत्वों की मौजूदगी के कारण मूवमेंट होता, वरना मूवमेंट किस पूरी दुनिया के अंदर किसी कोई मूवमेंट नहीं होता। अब कोई व्यक्ति मूव हो रहा है, मेरे हाथ हिल रहे हैं और हाथ को मैं शांत करना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि मैंने रेस्ट तत्व की डिमांड की, तो ये रेस्ट तत्व उदासीन भाव से एक द्रव्य के रूप में, बौद्धिक रूप में और जो है अमूर्त रूप में पूरे ब्रह्मांड में हाजिर है, तो मुझे मिल गया, गाड़ी को मिल गया, फ्लाइट को मिल गया, कोई भी जो रेस्ट लेने वाला है उसको स्थिति सहायक तत्व मिल गया। अब उसके बाद में पांचवा जो तत्व आता है, पांचवा जो द्रव्य आता है वो सब्सटेंस है टाइम, छोटा से छोटा टाइम का जो घटक है वह जो है वो हम एक मिनट के अंदर एक हम जो है पलक झपते हैं उसमें बहुत से समय निकल जाते हैं, उसके बाद सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटे होते हैं और दिन होता है, पक्ष होता है और उसके बाद के पक्ष के बाद में साल होता है, शताब्दी होती है, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल होते हैं, पूरा काल चक्र होता है, ये समय है, समय हमें वर्तना सिखाता, हमें टाइम मैनेजमेंट देता है, हमारे को मालूम पड़ता है कि अब क्या चल रहा है। और उसके बाद में छठा जो तत्व है वह तत्व है आकाश, स्पेस, ये मैं इतनी जगह घेर रहा हूँ, ये मेरा स्पेस, ये टेबल इतनी जगह घेर रही है तो ये इसका स्पेस हो गया, ये माइक इतनी जगह घेर रहा है ये उसका स्पेस हो गया, तो ये अगर स्पेस ना होता तो हमको अवगाहना कौन देता, हम एक दूसरे के ऊपर गिरते, हम खड़े ही नहीं रहते, अपने कोई भी वस्तु अपनी जगह पर खड़ी नहीं रह सकती क्योंकि स्थान नहीं है, स्थान देने वाला होता है, ये स्पेस कहलाता है। इस तरीके से ये जो पांच जो तत्व है वो पांच तत्व जड़ जगत है, यानी हमारा ये जो कुदरत है इसको मानता है, और छठा तत्व जो है वो हमारा अध्यात्म विज्ञान मानता है और ये भौतिक विज्ञान मानता है, भौतिक विज्ञान पांच तत्वों को मानता है, अध्यात्म विज्ञान छह तत्वों को मानता है, तो ये सारी कुदरती रचना है। अब हम संयोग और वियोग की बात करते हैं तो उसमें कुदरत का कानून लागू होता है। कुदरत का कानून क्या कहता है कि कोई भी चेतन पदार्थ वही कर्मों का बंधन करता है, वही कॉजेज डालता है, वही फीलिंग करता है, वही सुख दुख की अनुभूति करता है, जड़ कुछ नहीं करता, जड़ तो उसका सहयोगी है, जड़ तो निमित्त बन करके आता है क्योंकि जड़ की प्रॉपर्टी है वो वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है, और वो तो गलन मिलन धर्म है, वो तो संयोग वियोग करता ही रहता है, लेकिन ये चेतन तत्व ये शाश्वत है, इसका ना कभी संयोग होता है वियोग होता है, तो मूल रूप से तो संयोग और वियोग जो लागू होता है वो जड़ पदार्थ पे होता है। चेतन तो क्या है, अमूर्त है और चेतन तत्व शुद्ध रूप के अंदर अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, और ये जो है निष्क्रिय है, ये तो इसको तो कोई इसको तो इसकी केवल हाजिरी है, ये दिखाई नहीं देता हथेली पे, लेकिन ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तत्व है, ये है तो हम हैं, ये नहीं तो कुछ नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं आत्मा को और इस जो प्रभु को एक मानता हूँ, एक मान करके और हमारे जितने भी जड़ तत्व है उसके आगे रखता हूँ। पहला जड़ तत्व जीरो है वो धन है, दौलत है, दूसरा जड़ तत्व है हमारा मकान है, तीसरा जो जीरो रखता हूँ वह जो है ज्वेलरी है, चौथा बैंक बैलेंस है और पांचवा जो खेत है, घर है, तो इस तरीके से ये सारा जो है
जो मैंने उसके आगे साइड में इतने जीरो साधन जड़ लगाए, अब मैं क्या करता हूं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं उस एक के आत्म तत्व के पीछे साइड के अंदर बैक साइड में प्रथम जीरो यानी धन का जीरो, दूसरा जो धन वैभव का, दूसरा जीरो मकान का, तीसरा कार का, चौथा ज्वेलरी का और पांचवा बैंक बैलेंस का, इस तरह से लगाता गया। तो प्रथम जीरो से 10 हो गया, दूसरे जीरो से 100 हो गया, तीसरे जीरो से 1000 हो गया, फिर उसके बाद में लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़, और ये संख्या बढ़ती जी वैल्यू गुणित हो जाती है। गुणित क्यों होती है? एक है जब। अब मैं उस एक तत्व को हटा देता हूँ तो जितने जीरो लगाए हुए वो वैल्यू लेस यूजलेस हो गए। यानी क्या हुआ कि अगर हमारा चेतन तत्व है तो ये साधन रूपी जड़ है वो उसकी उपयोगिता है, और उसकी वो नहीं है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो भाइयों आप सबसे समझिए कि साध्य क्या हुआ? साध्य हुआ हमारा मूल आत्मा, वो साध्य है। चेतन तत्व हमारा साध्य है और जड़ तत्व है वो साधन है। तो जड़ के साथ में संयोग और वियोग जुड़ा हुआ कैसे? अब देखिए कि हम करें, कोई व्यक्ति जो है भाव करता है हर क्षण, ये हमारा कर्म योग 24 घंटे चलता रहता है। हमारे गीता की भाषा में कर्म योग कहते हैं, तो व्यक्ति ऐसा क्षण कभी नहीं आता है। कोई भी लिविंग बींग अगर एक इंद्रिय जीव है, वह भी अपने तरीके से वो अध्यवसाय के माध्यम से कर्मों का बंधन करता है। उसके एक इंद्रिय होती है खाली, स्पर्श इंद्रिय। उसके स्पर्श करोगे तो उसको अनुभूति होती, अव्यक्त होती है क्योंकि व्यक्त करने के लिए दूसरी इंद्रियां है नहीं उसके पास के अंदर, लेकिन वो अनुभव जरूर करता है। एक इंद्रिय वाला अनुभव करता है क्योंकि उसके भीतर भी जो है प्रभु विराजमान है, उसके भीतर भी मूल वही आत्मा है जो आप में और हमारे में है। तो भाई और बहनों, जो हमने संयोग वियोग की बात कही, तो अब देखिए कि आपने कॉज डालते रहे, आपने कॉज डाल करके इकट्ठे करते रहे, अच्छे डाले या बुरे डाले, और उस कॉज को डालने के कारण हमारी कॉजल बॉडी बनी। तो वो कॉजल बॉडी आज इस जन्म में है, अगले जन्म में जा करके वह इफेक्ट बनेगी। कॉज के साथ इफेक्ट बनता है, इफेक्ट का अर्थ हो गया कि वो हमारा द्रव्य क्रम के रूप में परिणाम होता है। तो आप देखिए कि द्रव्य का जो उदय भाव आता है, ये संयोग और वियोग कौन पैदा करता है? ये उदय भाव पैदा करता है। और ये लाता कौन है? ये कुदरत लाती है। कुदरत कहती है कि कोई भी जीवित प्राणी उसको जन्म मैं देती हूँ, क्योंकि मैं पंच भूतातक हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पांच भूतों से 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी को मैं जन्म देती हूँ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि देखिए कि किस तरीके से व्यक्ति का जन्म होता है बच्चे के रूप में, कि माता का अंडज और पिता का शुक्राणु जब इंटरकोर्स होता है तो उसके अंदर ये दोनों जीव आपस में मिलकर के अपना अस्तित्व समाप्त करके मर के एक तीसरे नए सोल को एम्ब्रियो के रूप में जन्म देते हैं। तो और एम्ब्रियो बड़ा होकर के 9 महीने बाद के अंदर बच्चा होता है और उसका जन्म होता है, तो पूरा 9 महीने बाद जन्म होता है। तो अब आप देखिए ये सारा कार्य है वह कुदरत करती है, और वो कुदरत जो है संयोग जुटाती है। मेरे को सुख का संयोग होगा अगर मेरा उदय भाव और मेरा उपादान जब उदय में आया तो उस उदय भाव के अनुरूप जो है वह संयोग ले आएगी, और वह प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ रहेगा, और उदय भाव के अंदर कैसा जो है उदय आने पर कैसा वो रस देगा, कैसा प्रभाव देगा, कैसा उसका अनुभव होगा, कैसा अनुभूति होगा, ये सारा कार्य कुदरत करती है। तो जितने समय तक जो है उसको प्रभाव देना है, फिर समाप्त हो गया वह वियोग हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? संयोग वियोग फिर संयोग फिर वियोग। तो इसका मतलब ये शाश्वत सत्य है कि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर मैं आज इस एपिसोड को आज कसौटी पर कसूं या जो श्रोताओं के समक्ष जो है वो खुला करूं जिज्ञासा समाधान के लिए, तो हम इसकी सोशल यूटिलिटी
और इसकी जो है उसके बाद के अंदर इससे क्या लाभ होगा व्यक्ति को, समाज को, इसकी क्या प्रासंगिकता, इसका क्या रिलीवेंस है, वो जानना चाहेंगे। तो भाई और बहनों, ये सूत्र जब किसी के हाथ में लग गया, हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, तो वो कभी भी दुखी नहीं होगा। अगर उसकी उच्चतम दुख की डिप्रेशन की अवस्था में आएगी, अरे वो ध्यान करेगा, ये भी चला जाएगा। इसलिए हर वक्त चिंतन करो, चाहे आपको सुख की स्थिति आवे तो भी फूलो मत कि ये भी चला जाएगा। ये जाने वाला है, ये नाशवान है, क्योंकि जड़ नाशवान है, शाश्वत है वह तो हमारा चेतन तत्व है, प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, आत्मा है। उसी के भाव में रहना स्वभाव रहता, उसके चिंतन में रहना, उसकी भजना करना, उसके गुणों को याद करना, उसकी रचना को याद करना, सारा चेतन के खाते में रहना है। वह जो है हमारा कहना चाहिए पुरुषार्थ है, वो हमारी जागृति है। तो वो चेतन तत्व ही ऐसा है कि उस पर ये जो संयोग वियोग लागू नहीं होता है। संयोग उसकी तो केवल हाजिरी है, संयोग और वियोग है जड़ पदार्थ पर होता है। इसीलिए इस सूत्र को ध्यान में रखें तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, और जब दुखी नहीं होंगे तो संभाव की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि हमारे साथ दुख आया हम सोचेंगे यह भी चला जाएगा, सुख आया तो हम फूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे मन में रहेगी ये भी थोड़े दिन का है। आज इस पर पद पर बैठे, ये पद साल में दो साल में जाने वाला है, तब जाने वाला है वो स्थाई नहीं है, तो इसका क्या घमंड करना। तो आपके साथ में कषाय की उत्पत्ति नहीं होगी। संयोग और वियोग का ज्ञान करने से हम संभाव में आ जाते हैं, हम जो है समता की साधना में आ जाते हैं, हम संवर की साधना में आ जाते हैं, हम अपने निज स्वरूप में चले जाते हैं। तो जब ये हमारे में संभाव आ जाएगा तो हमारे राग द्वेष पैदा नहीं होंगे, राग द्वेष पैदा नहीं होगा तो कर्म बंध नहीं होगा, हम कर्ता भी नहीं बनेंगे, हमारा मालिकिनी भाव भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि ये तो आज संयोग आया है तो मैं, ये तो चला जाएगा तो मैं कर्ता कितने समय, कर्ता क्यों बनूं, बन भी नहीं सकता तो भी बनूं क्या। जैसे मैं धन का कर्ता बनता हूँ, शरीर का कर्ता बनता हूँ, तो कैसे बनूंगे, तो जाने वाला है, और उससे क्या होगा, आदमी कभी दुखी नहीं होगा। और हमारी गीता की भाषा में जो स्थित प्रज्ञ की बात कही कि सबसे बड़ा कर्म योगी, सबसे बड़ा भक्ति योगी, कर्म योगी, और उसके बाद के अंदर ज्ञान योगी वह है, वो एक रोल मॉडल दिया स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो संयोग और वियोग में विचलित नहीं होता, दोनों को एक समान समझता है, सुख और दुख को एक समान समझता है, धूप छांव को एक समान समझता है, उसे प्रभावित नहीं होता है, वो प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। प्रज्ञा चक्षु कौन होता है, जो कि संभाव में रहता है, जो कि संवर में रहता है और समता की साधना करता है, दोनों को एक जैसा समझता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये सुख दुख की उत्पत्ति कहाँ होती है, ये राग द्वेष से होती है, ये संयोग और वियोग को जो है मैं एक से नहीं रहने की वजह से स्थिति होती है। और प्रज्ञा चक्षु तो होता है, वो तीसरा नेत्र खुल जाता है संभाव का, निष्पक्षपात का, और लाइक समता का, ये जब खुल जाता है, दोनों को एक समान समझता है। तो संयोग और वियोग जो है ये दोनों होते हैं, ये सृष्टि का नियम है। इस बात को हम जानेंगे तो हम जो है प्रज्ञा चक्षु बनेंगे और हम स्थित प्रज्ञ बनेंगे, हमारा जीवन सुखी होगा, हमारा जीवन शांत होगा, और किसी तरह से हमारे जीवन में छटपटात नहीं रहेगा, हर वक्त आनंद की अनुभूति रहेगी। तो भाई और बहनों, ये संयोग और वियोग के अंदर स्थिर रहने से व्यक्ति जो है अपने गंतव्य को शीघ्र प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर संयोग और वियोग के नियम को, सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति है, अपने स्वरूप में रहेगा, अपने स्वभाव में रहेगा। विभाव में ले जाने वाला कौन है, विभाव में ले जाने वाला संयोग और वियोग है। प्रिय वस्तु का संयोग हुआ तो राग पैदा हो गया, अप्रिय वस्तु का संयोग हुआ द्वेष हो गया। तो दोनों में ले जाने वाला जो है ये कौन है, ये हमारे संयोग है।
तो इन संजोगों के साथ जुड़ना नहीं है, इनके साथ निष्पक्षपात में रहना है और इनके साथ में जो है उदासीन भाव से रहना है, उपेक्षा के भाव से रहना है, दोनों को एक समझना है। जब हम एक समझेंगे तो हमें सुख की अनुभूति होगी, शाश्वत सुख होगा। और देखिए हम और बात करें कि शाश्वत सुख की हमने बात कही तो सनातन सत्य की बात कही, तो हम ज्यों ज्यों अपने स्वरूप में रहेंगे और स्वधर्म में रहेंगे। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में स्वास्थ्य के सूत्र है और सत्संग के सूत्र है और अपने जीवन को अच्छा बनाने के सूत्र है, संस्कार के सूत्र है। जो कुछ चाहोगे सारा आपको आत्मविज्ञान से मिलेगा। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रतिदिन देखते रहिए, आपको बहुत कुछ अधिक ज्ञान मिलने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि सही सोच।